हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है फोर्सेस इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे या कोई प्रूफ करेंगे, बस मैं उतना ही आपको करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आज के इस वीडियो से और या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले भी स्टैटिक्स डायनेमिक्स के बहुत से लेक्चर हो गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो उसको आपने नहीं देखा अभी तक देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में काफ़ी मैक्सिमम चांसेस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर इसका पीडीएफ अगर मैं इसका प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। आप वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए खुद से, ठीक है। और आप भी खुद बुक पढ़िए और देखिए किससे एमसीक्यू मैक्सिमम आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाएगा, समय आपको अगर समय बचेगा तो उसमें भी डिस्कस कर लिया जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जनरल कंडीशन। क्वेश्चन क्या है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज, क्या कंडीशंस में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सिक्स आपको फोर्सेस देखने को मिलेगा। तो कब होता है जनरल कंडीशन का आप इक्विलिब्रियम किसी भी रिजिड बॉडी का, जब उसके सारे फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू जीरो। तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, बाकी बी सी और डी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, द थ्री फोर्सेस एक्स वाई जेड एक्टिंग अलॉन्ग एक्सिस आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स कैपिटल आर इज, क्या रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए तीन फोर्सेस हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो वो सिंगल फोर्स कैपिटल आर पे अगर एक्ट कर रहे हैं तो क्या रिलेशन होता है उसमें। पहला ऑप्शन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ऑप्शन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है आर इक्वल टू रूट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, द थ्री फोर्सेस आर एक्स वाई जेड सिंगल फोर्स कैपिटल आर, द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर, डायरेक्शन कोसाइन आर एक्स बाई आर वाई बाई आर जेड बाई आर, द थ्री कपल एल एम एन आर इक्विवेलेंट टू सिंगल कपल जी इज, क्या रिलेशन में होता है। तो पहला ऑप्शन है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, बाकी बी सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, द क्वांटिटीज एक्स वाई जेड एल एम एन आर कार्ड, इसको क्या कहते हैं हम, डायनेम कहते हैं इसको, डायनेम, ठीक है। आप पहला ऑप्शन जो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन डायनेम होता है, सेकेंड ऑप्शन है कपुल फोर्स, थर्ड है सिंगल फोर्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन जो है डायनेम जो है यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स एक्ट वेन कंसिडर टूगेदर विच पिच इज स्क्रू पिच रेंज नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट करेक्ट है, स्क्रू करेक्ट है। तो इस तरह से आपको फोर्स इन थ्री डायमेंशन में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ सिंगल फोर्स कैपिटल आर टुगेदर विथ अ कपल के हुज एक्सिस कोइंसाइड विथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर टेकन टुगेदर इज, फर्स्ट ऑप्शन स्क्रू, डिफिनेशन पूछा जा रहा है स्क्रू रेंज सेंट्रल एक्सिस नन ऑफ दिस। तो ये जो डिफिनेशन है वो रेंज की डिफिनेशन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मोमेंट ऑफ द कपल डिवाइड बाई द फोर्स इज कॉल्ड पिंच स्क्रू रेंज नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पिंच कहते हैं उसे, ठीक है। द मोमेंट ऑफ कपल डिवाइडेड बाई फोर्स इज पिंच। क्वेश्चन नंबर एट, द कंडीशन दैट अ जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन स्पेस
शुड रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स इज, क्या होता है एल ए, पहला ऑप्शन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो, सेकेंड ऑप्शन है एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन जेड बराबर जीरो, और थर्ड ऑप्शन है एल एक्स माइनस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो, यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज, ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये मैक्सिमम चांस एग्जाम पूछा जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एल माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस जेड वाई, जेड कैपिटल जेड है ये, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड वाई कैपिटल वाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एम माइनस स्मॉल जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स कैपिटल जेड डिवाइड बाई वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई है, और यहाँ से माइनस एन माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एक्स डिवाइड बाई जेड इक्वल टू यहाँ पर क्या है कैपिटल पी है, ठीक है। तो यही ऑप्शन करेक्ट, इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर पूछेगा इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस तो यही करेक्ट है, बाकी बी और सी और डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट लाइन इज, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन इज क्या होता है इसमें, पहला ऑप्शन है या कैपिटल एन इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, दूसरा है एफ डी कॉस थीटा, तीसरा एफ डी साइन टेन थीटा, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो पहला ऑप्शन इसमें जो कर है आपका एन इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, यही क्या है आपका करेक्ट है एफ डी साइन थीटा, बाकी बी और सी और डी क्या है गलत है, यानी रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन इज एन इक्वल टू एफ डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वीडियो स्टॉप करिए, सारे क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द लाइन अबाउट विच सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ सिस्टम इज जीरो इज कॉल्ड, इसमें एक्चुअली मैं आपसे क्या उसमें नल प्लेन नल लाइन नल पॉइंट्स का डिफिनेशन भी पूछा सकता है। तो किसका डिफिनेशन है, द लाइन अबाउट विच द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ सिस्टम इज जीरो इज कॉल्ड नल लाइंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए नल प्लेन नहीं होगा, नल पॉइंट नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेन इन विच ऑल दिस लाइंस, द प्लेन इन विच ऑल दिस लाइंस इज कॉल्ड क्या, नल लाइंस, सेकेंड ऑप्शन है नल प्लेन, और थर्ड ऑप्शन है नल पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नल प्लेन्स, ए सी और डी क्या है रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन इज, देखिए इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। इक्वेशन क्या है, पहला ऑप्शन एक्स स्मॉल एक्स है, एल जी जेड प्लस एच वाई स्मॉल वाई है, प्लस स्मॉल वाई कैपिटल एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस, यहाँ पर भी स्मॉल जेड है, ये स्मॉल जेड मैं इस तरह बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इक्वल टू एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच, यही जो होता है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है। बाकी बी और सी और आपको जो डी दिख रहा है ये रॉन्ग है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन ही पूछा जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन टू अ नल प्लेन इज, पहला ऑप्शन डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट रो में कैपिटल एक्स वाई जेड, सेकेंड रो में एल एम एन, थर्ड रो में एफ जी एच इक्वल टू स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एम कैपिटल वाई प्लस एन कैपिटल एन, ये हमारा जो है कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन टू नल लाइन, स्ट्रेट लाइन टू नल लाइन के लिए होता है ये डिटर्मिनेंट जो होता है इसका। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है और फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट लाइन इज, ये भी डायरेक्टली रिजल्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन जो है स्मॉल एक्स
एन वाई एम जेड प्लस स्मॉल वाई एल जेड प्लस एन एक्स प्लस स्मॉल जेड एम एक्स प्लस एल वाई इजकल टू कैपिटल एल स्मॉल एल प्लस एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन, यही ऑप्शन जो है करेक्ट है और यही जो होता है इक्वेशन ऑफ कंजुगेट लाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी और डी जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे फोर्स इन थ्री डायमेंशन में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैंने कराया 15, एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा उससे, और दोनों आप वीडियो अगर पढ़ लेते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन राइट कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम चांसेस है इससे क्वेश्चन बाहर इससे नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, फोर्स इन थ्री डायमेंशन से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो आएगा जिससे हम क्या करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे हम मैकेनिक्स से बहुत सारे लेक्चर ले गए हैं बीसी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाइए ASTeach सर्च करिए, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिक्स का स्पेशली प्लेलिस्ट है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशली प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो मैक्सिमम मैंने पढ़ा दिया है, उसमें 80% से ज़्यादा आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।